I get so caught up in the middle, thinking of drowning. एक महिला पे आप क्या अत्याचार कर रहे हो? I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep. अरे मेरी क्या गलती? मेरी बात बिल्कुल नहीं दिख रहा. I can hide. क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? भाई मैं आई एम द विनर और मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती तेरी बारी चले गई बस उठा ही रह गया मेरी बारी पट्टा से हेडशॉट And you can tell me all the lies. I will put out all the fire. Hey, good morning everyone. Welcome back with the new vlog. जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह ही हुआ एक ताबड़तोड़ संग्राम. तो बहुत बार घर में ऐसा हो जाता है, पता नहीं यूवी कभी किसी की साइड लेता है कभी किसी की. एंड खुशी को छोटे मोटे दौरे पड़ते रहते हैं, मतलब अच्छे खासे बैठे हुए थे, एकदम मुँह पे पिलो मारा, फिर उसकी बहुत बढ़िया वाली धुनाई हुई, लेकिन बाद में दोनों हो गए तो इन्होंने एक दो पिलो मुझे भी मार दिया, वो कोई बात नहीं. और अभी हो चुके हैं दोपहर के 1:30. अभी मुझे चाय पीनी है, छोटी सी चुस्की मारनी है चाय की. क्यों छुप रही हो? देखो छुपी हुई किसी लड़की को देखो, अभी तक छुपी हुई है. तो अभी मुझे चाय पीनी है एंड उसके लिए हम चलते हैं नीचे, राजा से मिल लेते हैं जल्दी से. हे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग माँ. गुड मॉर्निंग बेटा. राजा क्या कर रहा है? सो रहा. अब खुशी के बाद नींद नींद में आ जाता है, जिस दिन देर भी इसको आना होता है फिर नहीं आएगा. राजा ओए मेरे राजा बाबू. राजा बाबू क्या कर ली? मम्मी को भी पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि हम आके जब भी नीचे बोलते हैं तभी उठ जाता है. तो मम्मी हमेशा हमें डांटती है कि तुम आके से तेज बोलते हुए उठा दो. एंड बहुत जल्दी हम लोग पूरे घर का होम टूर देने वाले हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया आपको पता है, तो कुछ काम रह गया ऊपर. तो सोचा था कि जब पूरा घर हो जाएगा तो एक ही बार में पूरे घर का होम टूर देंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. एंड काफ़ी जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए होम टूर. ये नहीं खाता हमारे रूटीन में इतनी चीज़ें ख़राब है कि मैं 3:30 बजे बिल्कुल फ्री हो गई थी. उसके बाद मैं सोच रही थी नहाती हूँ करते करते मैंने 5:30 बजा दिया, जबकि आज मैंने अभिषेक को बोला था आज हम लोग ना बाहर धूप में वीडियो बनाएंगे तो जल्दी रेडी हो जाएंगे. सो थैंक यू सो मच आप सबका, जितनी भी वीके फैम है, कल आप लोगों ने हमें जस्टिस दिलाया मेरे को और अभिषेक भैया को, क्योंकि विवेक ने हमें बहुत परेशान करा था. लेकिन आज फिर से मेरी बारी है, मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी इनकी रील. सो अभी मैंने हेड वॉश किया और मैंने सोचा कि एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो मैं अभी शेयर कर लूँ. एक्चुअली रिसेंटली मैंने एक शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया है जो कि मेरा फेवरेट हो गया, मतलब मुझे उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा बढ़िया लगे हैं. सो मैं आपको भी बता देती हूँ. तो मैंने सोचा कि इसके फ़ायदे अगर इतने सारे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए. सो ये है ममाअर्थ राइस वाटर शैम्पू. सीरियसली ट्रस्ट में बहुत ही बेहतरीन और इतने बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि राइस वाटर आप काफ़ी टाइम से सुनते होंगे कि हेयर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है. उसके साथ इसमें आपको कैरेटिन और वीट प्रोटीन भी मिल जाता है. सो जो कैरेटिन होता है वो आपके जो हेयर के टेक्सचर को होता है उसको इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर में काफ़ी वॉल्यूम आ जाती है. आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. और थर्ड इसमें होता है वीट प्रोटीन, जिसके अंदर अमीनो एसिड होता है जो कि आपके बालों को हाइड्रेट करता है और आपके बाल
बाल शाइनी लगते हैं। प्लस राइस वाटर में क्या होता है कि बी सी और ई आपको विटामिन मिल जाता है, जिससे कि आपको और भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। जो डैमेज की प्रॉब्लम है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और आप देख सकते हो कि मेरे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनमें जो वॉल्यूम है ना वो बहुत अच्छी हो गई। और हर गर्ल्स को होता है कि अगर वो हेयर्स में वॉल्यूम है तो वो अच्छे से कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ मैं दो प्रोडक्ट और यूज़ कर रही हूँ, जो कि है ये मामा अर्थ राइस वाटर कंडीशनर और मामा अर्थ हेयर ऑयल। ये भी राइस हेयर ऑयल है। और जो मेरा डे का रूटीन शुरू होता है, हेयर का रूटीन शुरू होता है, वो इन्हीं तीन चीज़ों से शुरू होता है। पहले मैं सुबह उठते ऑयलिंग करती हूँ, जिस दिन मुझे हेड वॉश करना होता है। और ऑयलिंग से क्या होता है, जो मेरे बाल हैं वो थोड़े नरिश हो जाते हैं। फिर मैं उसके बाद शैम्पू करती हूँ। शैम्पू आपके बालों में से जो भी डर्ट होता है, जो भी एक्सेस ऑयल होता है, उसको निकाल देता है। एंड थर्ड वन आता है जिससे मेरी रूटीन ख़त्म होती है, दैट इज़ कंडीशनर। कंडीशनर अपने बालों को स्मूथ एंड शाइनी बना देता है, वो सबको पता होगा। हम ममार्थ के पहले भी काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि मैंने इनका अभी तक कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करा था। एंड ना जो राइस होता है हम अपने खाने में लेते हैं, सबको पता है, लेकिन ना हेयर केयर में हमने कभी यूज़ नहीं करा। एंड थैंक गॉड के मामा अर्थ ने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें कि राइस वाटर है। एंड टोटली मैं पागल होगी कि इनके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। प्लस मामा अर्थ का हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि इनकी एनवायरनमेंट को लेके कितनी अच्छी चीज़ है, एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कि अभी इन्होंने 1 लाख जो ट्री है वो प्लांट किए हैं। प्लस 1135 मैट्रिक टन प्लास्टिक को इन्होंने रिसाइकिल करा है, तो आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं कि आप प्लास्टिक को वेस्ट कर रहे हो। थर्ड वन ये है कि अभी आप सबको पता है कोविड चल रहा है, तो मामा अर्थ ने क्या करा है, 1000 सैनिटाइजर और 20,000 जो क्लोथ मास्क हैं वो सब जितने भी कोविड हीरोज हैं हमारे उनको दिए हैं। सो इन्होंने अभी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। तो पहले आप जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन, नाइका या फिर इनकी वेबसाइट से लेते थे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आ चुके हैं ममा अर्थ ऐप, जिसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सिंपली जाके लॉगिन कर सकते हैं, जिसके बाद के आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड Chaudhary2021 यूज़ करते हो, मामा अर्थ की वेबसाइट पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नाइका पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो देर किस बात की, आप भी फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और जल्दी जल्दी जाके बाय करो। मैं चलती हूँ तैयार होने, उसके बाद हम बनाने वाले हैं विवेक के रेल, क्योंकि सुबह भी इतना पंगा हुआ जो कि मे बी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। सो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, एंड आज बहुत सारा काम था। मैंने खुशी की वीडियो एडिट करनी थी, एक यूवी की वीडियो एडिट करनी थी, एंड अपना भी व्लॉग साथ के साथ एडिट करते रहता हूँ, वरना रात को बहुत लेट हो जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है सोने में। एंड आज जैसे कि आप लोगों को पता, हमारी काफ़ी सारी लड़ाई बजी खुशी की और मेरी, तो वो पूरा भड़का रही थी मम्मी और लोगों की, माँ मेरे साथ वो लड़ रहे थे, माँ विवेक मेरे साथ लड़ रहे थे। तो अभी चलते हैं एंड उसकी फिर से रेल बनाते हैं। मैं घरा गया, मैं घरा गया नोबिता। हेलो राजा नमस्ते कर दिया बाबू पापा को, कितना अच्छा बच्चा मेरा यार ये। मम्मी एक बात और बता रहा हूँ, अपनी से बहू को समझा, तेरे से तो बात करूंगी मैं, तू परेशान कर रहा है पूरे दिन से। मैं अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ये देखो बाबू ड्रामे, ये देखो ड्रामे इसके, अगर ये खुल गया ना ये मुर्गा बना के सबको सिर तो दिखाओ, जिसकी वीडियो अगर आप चाहोगे तो मैं अपनी YouTube पे ले आऊंगी। क्या है मुझे भी नहीं पता, आप अपनी बहू के गुण गाने बंद करो। हमने लोगों को अपनी माओ के लिए पागल होते हुए देखा है, लोगों को अपने बेटों के लिए पागल होते हुए देखा है, अपनी बहू के लिए पापा जी एक बात बताओ, मेरी बात सुन लो, इसने मुझे कल 10 बार कहा कि अब पापा से बदला लेने का टाइम आ गया, 10 बार। अच्छा मैं भी अपने फैम को यही कहूंगा कि भाई मेरे कम से कम 1.5 लाख के करीब है, तो कमेंट करना कि पापा की जान बचाओ, क्योंकि तुम करोगे तभी ये मानेगी, नहीं तो ये तो हाँ, क्योंकि कल रात से 10 बार बोल दिया, इसका बदला मैं लूंगी। गाइस मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, पापा मेरी तरफ हो, इनकी तरफ हो, बताना चाहती हूँ की मेरे पति के साथ साथ मेरे ससुर मेरे ऊपर बहुत जुर्म कर रहे हैं।
अगर मैं पापा किससे बदला लेने के लिए आपने सोचा तो मैं और पापा एक साथ हो गया भीषम कर देंगे आपको। जिस दिन बदला ऐसे नहीं लूंगी बदला लिया जाएगा। आज आज मैं आप बिलीव करो मेरी बात का, आज पापा नहाते हुए अपने सारे कपड़े अपने साथ लेके गए और जब से सुबह से भी कुछ भी खा रहे हैं सारी चीजों का पापा देख देख के क्योंकि मैं एडिटिंग में बिजी हूँ इसलिए मैं शॉट नहीं ले पाया, लेकिन आज पापा इतने डरे हुए थे पापा को लगा कि ये कल विवेक को पहले आज मिले पहले मेरे फैम कमेंट करने हैं कमेंट आने चाहिए मैं देखूंगा। चोर कभी भी सीसीटीवी की निगरानी में चोरी नहीं करता है। लेकिन कल मुझे सच बताऊं कल मुझे इतना बुरा लगा कि आप लोगों ने वीडियोस के नीचे कमेंट किए हुए थे जस्टिस फॉर अभिषेक एंड जस्टिस फॉर खुशी दीदी। यार आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि मैं इतना काम करता हूं, इतना कठिन परिश्रम करता हूं आप लोगों के लिए और आप लोग थैंक यू सो मच फैम, आपने सही को सही कहा गलत को गलत कहा और आज भी जो हुआ है ना मेरे साथ इतना गलत हुआ है आज फिर बताना आप। आपके साथ हाँ। अभी तक मैंने इसमें एक वीडियो नहीं लगाई लेकिन मुझे लग रहा था अगर ये बात यहीं पे दब जाएगी तो आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन पहले जल्दी जाओ इस वीडियो को देख के आओ आपकी उसके बाद इसने मुझे कितना परेशान करके रखा। पहले तो सुबह हमारी लड़ाई हुई, फिर उसके बाद अब यूवी ने इसने मिलकर मेरी पिटाई करी, उसके बाद फिर इसने मेरे साथ लड़ाई की, लेकिन उस लड़ाई में एक सीन हो गया था इसका मुंह देखना, जल्दी देख के आओ जाके। तो खुशी मेरे साथ लड़ाई करके अभी नीचे गई तो भाई लोग फंस गई है पोलो नहीं खेलो तो एक पोलो के ऊपर से मेरे साथ लड़ाई की है इस पोलो की बात कर रहा हूँ मैं। करो की लड़ाई मेरे मां ये ठीक है थैंक यू लग रही है हाथ खुले ना तो आपको बता दूँ खुशी को पिटाई करके ऊपर आ चुका हूँ, मुझे ढूंढेगी वो चुप जाता हूँ। हमारे फैम है ना बहुत होशियार है बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है कि किसकी गलती थी। पापा के साथ ऐसा बदला लूंगी ना ऐसा खतरनाक बदला, लेकिन 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 बाद में आप लोग ये मत कहना जस्टिस फॉर पापा क्योंकि ऐसी बैंड बजाने वाले, लेकिन अभी नहीं। मतलब या तो मम्मी के ऊपर इसने कोई काला जादू करा है या कोई टोना कर रखा है, नहीं क्योंकि हम इसमें ब्लेम नहीं करते काला जादू। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको आज सच्चाई बताई देती हूँ, हमारे वहाँ एक सेवा साग करके एक जगह है जहाँ पे ओमी सका बाबा बैठते हैं जिसमें इमड़ा का काला जादू लेके आते हैं। झूठ लाज में पकड़ी गई, लाज में झूठ बोला इमड़ा का काला जादू, मैंने सारे झूठ बोला इसमें, नए नाम मैंने इन्वेंशन करे। आप लोगों का ग्रुप हल्का सा ढीला है हमारे ग्रुप के सामने, मतलब हमारे ग्रुप में एक तगड़ा पोडियम ढीला नहीं इनका थोड़ा भारी है, हमारा थोड़ा वो मेंटेन है फिट है, मतलब हमारा हमारे शेर का बाइसेप चेक करो ये खाली है इधर कर। चलो एक काम करो लड़ाई करवा दो दोनों की, आप लोगों की लड़ाई करवा दो, पापा और मम्मी की लड़ाई, पापा पंजे में हरा दो आप मम्मी को। 1 2 3 हमारे प्लेयर को पटा नहीं सकते आप, हमारे प्लेयर को पटा नहीं सकते, ये भी हट जाओ, हमारे प्लेयर को पटा नहीं सकते हो आप, छेड़ नहीं सकते, पापा 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 बेइज्जती हो जाएगी। ओए मम्मी मम्मी पापा मम्मी इधर भी देखना, मम्मी इधर भी देखना, ओए पागल
मैंने नहीं देखा। मेरी बात सुनो, आप लोग अभी भी अगर आप लोग अंधविश्वास इन नारियों पर करोगे हमारे घर की, तो हमें जल्दी इस घर को छोड़कर कहीं बाहर वो आपकी पार्टी कल हमें बचने के लिए नारी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम नारियों के साथ ही हैं, नारियों के साथ, तो हम तो इनके साथ लड़ रहे थे, वो जो दो हैं वो बंदे वो हाथ जोड़ो और वो कान पकड़ो, दूर खड़े हो, कान पकड़ो। पापा ने ले जाके गेट बंद कर दिया। सो कल के व्लॉग में देखना गाइस, फोन मिलेगा नहीं। बाय 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 बाय।